तो सिर्फ रक्षा के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक फ्रंट भी हिंदुस्तान दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से आर्थिक फ्रंट पर भी आगे है। सिर्फ इन्फेंट्री के मामले में ही नहीं बल्कि सैलरी बढ़ने के मामले में भी भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और आप भारत में नौकरी करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत में नौकरी पेशा लोगों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। इससे भी खास बात यह है कि इस मामले में भारत खुद को हाईटेक और सबसे ताकतवर समझने वाले चीन से भी आगे है। वर्कफोर्स कंसल्टेंसी फर्म की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में अगर महंगाई के फैक्टर को निकाल दें तब भी सैलरी में 4.6% का इजाफा होगा। फिलहाल महंगाई दर 7% है। इसका मतलब यह है कि कुल 10 से 12% तक आपकी सैलरी बढ़ सकती है और महंगाई को एडजस्ट करने के बाद यह इजाफा 4.6% रह जाएगा। पूरी दुनिया में मंदी की आशंकाओं के बादल छाए हुए हैं। ऐसे हालात में दुनिया के सिर्फ 37% देशों में ही सैलरी बढ़ेगी। जिन टॉप 10 देशों में सैलरी बढ़ने वाली है उन देशों में 8 देश एशिया के हैं और इनमें भी पहला नाम भारत का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम है और तीसरा नंबर चीन का है, जहां महंगाई को एडजस्ट करने के बाद सैलरी में 3.6% की वृद्धि हो सकती है। लेकिन साल 2023 में ब्रिटेन और अमेरिका में नौकरी कर रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों के वेतन में इजाफा ना के बराबर होगा और महंगाई के फैक्टर को एडजस्ट कर दें तो यह आंकड़ा माइनस में चला जाएगा। महंगाई की मार की वजह से सैलरी असलियत में बढ़ने की बजाय उनकी कमाई 1.5% कम हो जाएगी। ग्लोबल शक्ति के रूप में उभरते भारत के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जहां एक तरफ दुनिया भर की कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, वहीं भारत में हालात उतने बुरे नहीं है। सैलरी बढ़ने के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस लिस्ट में भारत और चीन के अलावा कुछ ऐसे देशों के नाम भी हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इस तुलना से आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में मंदी की आंधी के बीच कौन से देश डटकर खड़े हुए हैं और कहां जनता की जेब में ज्यादा पैसे आने की उम्मीद है। आप ये ग्राफिक्स देखिए, भारत 4.6% के साथ सबसे ऊपर। याद रखिएगा, ये आंकड़ा महंगाई एडजस्ट करने के बाद है। वियतनाम 4%, चीन 3.8%, ब्राजील 3.4%, सऊदी अरब 2.3%, मलेशिया 2.2, कंबोडिया 2.2, थाईलैंड 2.2, ओमान 2.0, रूस 1.9%। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे होने के बावजूद रूस में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है, जबकि नेटो में शामिल यूरोपीय देशों की आर्थिक हालत पतली है। यूरोप में सैलरी में इजाफा -1.5% होगा, जबकि रूस में लोगों की सैलरी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी 1.9% यानी करीब 2% बढ़ सकती है।